नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे संकुल संदर्भ केंद्र ग्रांट यानी कि CRC जो सत्र 2024-25 है इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। CRC ग्रांट आपको किस प्रकार यूज करनी है, कौन कौन सी ग्रांट आपको कौन कौन से मद में मिलने वाली है, कितनी राशि आपको मिलेगी, किस प्रकार राशि का उपयोग आपको करना है, किस प्रकार खर्च करना है, साथ ही जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है वो किस प्रकार आपको तैयार करना है, यानी कि CRC ग्रांट को लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जो विद्यालय स्तरीय ग्रांट जारी की जाती हैं वो लगातार जो है उसके दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जो पहले निपुण मेला 2024-25 है या यूथ एंड यूको क्लब है, रंगोत्सव है, काफ़ी सारी जो है ग्रांट्स जारी कर दी गई हैं, यानी कि उनके दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको ये किस प्रकार खर्च करना है, इन सबके मैंने पहले से अलग वीडियो बना रखे हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे। जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो करेंगे संकुल संदर्भ केंद्र ग्रांट CRC ग्रांट दिशा निर्देश 2024-25, यानी कि CRC ग्रांट जो दिशा निर्देश है वो क्या है और किस प्रकार आपको राशि को खर्च करना है, कितनी राशि आपको मिलेगी। तो देखिए, वार्षिक कार्य योजना एवं बजट सत्र 2024-25 में संकुल संदर्भ केंद्र CRC के कार्यालय कार्यों के संचालन हेतु संकुल संदर्भ केंद्र ग्रांट CRC ग्रांट का प्रावधान किया गया है। CRC अपने अधीनस्थ विद्यालयों में शैक्षिक सह शैक्षिक भौतिक गतिविधियों के संचालन एवं विद्यालय में नामांकन वृद्धि के प्रयास और ठहराव सुनिश्चित करने जैसे कार्यों की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित कर नियमित रूप से मॉनिटरिंग करेंगे। समग्र शिक्षा में गतिविधि हेतु प्रावधित बजट का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है, यानी कि कितना बजट आपको मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर कंटेंजेंसी के 30,000 रुपये मिलेंगे, मीटिंग एवं TA के 10,000 रुपये हैं, TLM के 10,000 रुपये हैं और फर्नीचर और कंप्यूटर के 30,000 रुपये। टोटल आपको यहाँ पर CRC ग्रांट 80,000 रुपये मिलने वाली है, यानी कि 80,000 रुपये आपको मिलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो 2024-25 में 10,259 CRC हैं के लिए जो बजट हैं जिलेवार उसका विवरण जारी कर दिया गया है। इसके बाद देखिए तो वे किस प्रकार करना है, इसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंटेंजेंसी ग्रांट जो 30,000 रुपये आपको मिलने वाली हैं। ये समग्र शिक्षा अभियान से संबंधित कार्यों को संपादित करने हेतु स्टेशनरी, फोटोकॉपी, दूरभाष, शाला दर्पण, फीडिंग शाला सिद्धि तथा छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च इत्यादि का भी शामिल इसमें है। इन व्यय का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान की रोकड़ बही में इंद्राज किया जाएगा और सामग्री क्रय करने पर स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जाएगी। तो इस प्रकार ये जो कंटेंजेंसी ग्रांट है 30,000 रुपये, इसका आपको जो है खर्च करना है। यहाँ पर विशेष नोट भी दिया हुआ है। देखिए, PO UCO को उपलब्ध कराई जा रही राशि में से 15,000 रुपये PO UCO सहित अधीनस्थ विद्यालयों में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम पर आवश्यकता अनुसार उपयोग लिए जाने हैं। वृक्षों की देखरेख, इनसे जुड़ाव के लिए आवश्यक है कि सभी शिक्षकों को कम से कम एक वृक्ष गोद लेने हैं तो पाबंद करें और वृक्षारोपण या इससे जुड़े कार्यों की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर भी प्रविष्टि की जानी है और वृक्षारोपण संबंधी कार्य के लिए यूथ एंड इको क्लब में भी प्रत्यक्ष दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसका मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है। वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, यहाँ जाकर पूरे यूथ एंड इको क्लब 2024-25 की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, मीटिंग TA ग्रांट्स जो 10,000 रुपये आपको मिलेंगे के द्वारा विभिन्न शैक्षिक नवाचारों पर चर्चा करने, TLM निर्माण कार्यशाला आयोजित करने, परिषद द्वारा संचालित गतिविधियों की क्रियान्वित हेतु योजना बनाने, समीक्षा करने, सूचना प्राप्त करने के लिए CRC विद्यालय पर प्रतिमा एक बैठक आवश्यक रूप से आयोजित की जाए और बैठक में उपस्थित होने वाले अधीनस्थ विद्यालयों के शैक्षिक कार्मिकों को अल्पाहार प्रदान किया जाएगा व अधीनस्थ विद्यालयों के शैक्षिक कार्मिकों को राज्य के नियमानुसार TA दिया जाएगा। यानी कि ये जो 10,000 रुपये आपको मिलेंगे TA और मीटिंग के, यहाँ पर देखिए इसका आपको जो है विद्यालय में मीटिंग वगैरह आयोजित करने में, अल्पाहार करने में, इनमें आपको ये खर्च करने हैं। इसके बाद देखिए, TLM ग्रांट जो भी आपको मिलती है इसको देखिए, CRC विद्यालय अधीनस्थ विद्यालयों के विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान के विषय के शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिए विषय को समझने में उपयोगी TLM का निर्माण किए जाने के लिए प्रेरित किया जाकर CRC स्तर पर आवश्यक रूप से न्यूनतम 2 कार्यशाला आयोजित कर इन विषयों के लिए शिक्षण सहायक सामग्री TLM का निर्माण शिक्षकों द्वारा किया जाएगा।
और इस TLM का उपयोग कक्षागत शैक्षिक गतिविधियों में किया जाएगा। तो इस प्रकार TLM ग्रांट का भी आपको यूज करना है। इसके बाद देखिए फर्नीचर और कंप्यूटर में तो बात करें, यहाँ पर देखिए CRC विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा अपने कार्यालय में फर्नीचर व कंप्यूटर के उपयोग हेतु राशि का व्यय किया जाना है। फर्नीचर और कंप्यूटर की राशि का उपयोग बाजार के वास्तविक मूल्य में ही किया जाए। सामग्री क्रय में प्रतिष्ठित कंपनियों को वरीयता दी जाए। राशि उपयोग में पारदर्शिता लाने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति बनाई जाए, यानी कि जो समिति होगी उसमें संस्था प्रधान, SMC, HDMC के 2 सदस्य और लेखा कार्मिक 1 सदस्य होगा। अधीनस्थ विद्यालयों का अवलोकन करने हेतु जाने वाले यात्रा के व्यय का समायोजन वित्त विभाग के यात्रा नियमानुसार करेंगे। विभाग द्वारा निर्धारित संख्या अनुसार अधीनस्थ विद्यालयों का अवलोकन किया जाएगा और अधीनस्थ विद्यालयों की मॉनिटरिंग समीक्षा के दौरान किए जाने वाले कार्य, जिसमें कक्षाओं के अवलोकन के समय विद्यार्थी आकलन रिपोर्ट तैयार करना है, मिड डे मील की मासिक समीक्षा करनी है या गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। प्रतिमा अधीनस्थ राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों की बैठक आयोजित कर शैक्षिक गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा करना है। SMC की बैठक आयोजित की स्थिति की समीक्षा मॉनिटरिंग करना है। सत्र समाप्ति पश्चात आगामी सत्र हेतु कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन करना है। तो इस प्रकार ये जो है राशि भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मॉनिटरिंग की बात करें तो मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर देखिए जो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संकुल संदर्भ केंद्र अनुदान राशि CRC ग्रांट एवं दिशा निर्देश 24-25 समस्त CRC कार्यालयों को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही इनके प्रभावी समुचित उपयोग की मॉनिटरिंग योजनाबद्ध रूप से आपको करनी है। इसके बाद देखिए जो राशि है वो जल्दी ही आपके खाते में जो है हस्तांतरित कर दी जाएगी, उसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी की जानी है। यहाँ पर देखिए राशि के उपयोग की बात करें तो जुलाई से सितंबर तक 40% राशि का उपयोग आपको कर लेना है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच 30% राशि और जनवरी से 15 फरवरी तक आपको 30% राशि का उपयोग कर लेना है, यानी कि टोटल 100% जो भी राशि आपको मिलेगी 80,000 रुपये उसका आपको 15 फरवरी तक जो है यूज कर लेना है। बजट प्राप्त होने पर उक्त सारणी के अनुसार समय सीमा में राशि का उपयोग किया जाए। चरणबद्ध रूप से समय सीमा में राशि का उपयोग नहीं किए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राशि उपयोग हेतु लेखा संबंधी सामान्य जानकारी भी यहाँ पर दी गई हैं। जो आपको राशि जारी होगी वो देखिए SNS से राशि आरण की स्वीकृति दी जाएगी। परिषद कार्यालय से राशि प्राप्त होने के पश्चात जिला ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा राशि आहरण प्रदान करने की कार्रवाई को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। राशि का उपयोग वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाना है। अतः करें की जाने वाली सामग्री में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की अक्सर पालना सुनिश्चित की जावे। इसके बाद भी काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि देखिए CBO कार्यालय प्रपत्र 1 में राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर, प्रपत्र 2 में जिला परियोजना समन्वय कार्यालय को प्रेषित करेंगे और जिला कार्यालय द्वारा प्रपत्र 3 में परिषद मुख्यालय को व्यय की सूचना भिजवाएंगे। प्रपत्र कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इससे पहले विशेष एक नोट दिया हुआ वो भी आप देख ले। परिषद कार्यालय से SNS से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत 3 दिवस में जिला कार्यालय चरणबद्ध रूप से ब्लॉक PO UCO को राशि आहरण की स्वीकृति जारी करवाना सुनिश्चित करेंगे और प्रबंध पोर्टल एवं SNA की वे राशियों में किसी भी प्रकार का अंतर स्वीकार्य नहीं होगा, अन्यथा संबंधित के खिलाफ जो है विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रपत्र 1 है जो CRC अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र है, ये PO UCO के द्वारा जो है तैयार करना है। ये प्रपत्र 1 है जो CBO कार्यालय को भिजवाया जाएगा। ये देखिए CBO कार्यालय द्वारा प्रपत्र 2 है जो भिजवाना है। इसी प्रकार जो प्रपत्र 3 है वो जिला स्तरीय संकुल संदर्भ केंद्र के लिए है। तो इस प्रकार ये तीनों के लिए यहाँ पर उपयोगिता प्रमाण पत्र हैं, इस प्रकार इनको आप देख सकते हैं। इसकी जो PDF है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, वहाँ जाकर आप इसकी PDF भी ले सकते हैं। तो ये थी साथ ही यहाँ पर CRC ग्रांट जो आपको अपने विद्यालय में मिलने वाली है, इसका उपयोग आपको किस प्रकार करना है, कब तक आपको राशि का उपयोग कर लेना है, किन किन कार्यों में आपको राशि का उपयोग करना है, UC है किस प्रकार तैयार करनी है, इसको लेकर पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।